नमस्कार फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है कैच ऑफ डिंगबम लाइफस्टाइल में। आशा करती हूँ जो जहाँ से देख रहे हैं सभी स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, हैप्पी है। हम लोग की आप लोगों की आशीर्वाद से स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, हैप्पी है। तो ये जो बॉक्स बॉयल चना। अभी बॉयल चना देखे, आहिस्ता आहिस्ता इसको इसमें बॉयल चना देखे अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। देखिए दोस्तों, रेसिपी में कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी जो है अभी मुझे देना है चावल का आटा। क्योंकि क्यों देना है, क्योंकि ग्रेवी इससे ही हो जाएंगे, क्योंकि ग्रेवी के लिए तो हम लोगों ने कुछ यूज़ ही नहीं किया, इसलिए थोड़े से देंगे चावल के आटा और इसमें देंगे थोड़ी सी शक्कर। आप चाहे तो शक्कर नहीं भी दे सकते, उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा खटास है बोल के मैंने थोड़ा सा यूज़ किया है। अभी देखिए यहाँ पर मैं दे रही हूँ नमक, देखिए थोड़ा सा अच्छी तरह से मिला के अभी रख दूँगी 2 मिनट के लिए। उसके बाद थोड़ा पानी कम हो जाने के बाद मैं दे दूँगी जो चावल मैंने घोल के रखे हैं वो। बस इसको दे के 5 मिनट तक मैं हिला के इसको रख दूँगी 5 मिनट के लिए। देखिए मेरा जो है पूरा चना बन के रेडी हो चुका है। ओ और एक बात तो मैं बताना भूल गई थी, उस चैनल में बता रहा था ये हिमाचल का रेसिपी है, तो बहुत अच्छे है, सब स्टेट का खाना खाना चाहिए और देखना भी चाहिए। मेरा रेसिपी रेडी हो चुका है, मैं साइड में रख दूँगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा ड्राई फ्रूट लिया है, कढ़ाई में घी दे के मैं बनाऊँगी सेवैयाँ। कुछ रखा हुआ था सेवैयाँ, बहुत दिनों से बना नहीं पा रही हूँ, तो आज वही मीठा मीठा जो है डिज़र्ट में मैं वही बना लूँगी। तो ड्राई फ्रूट को थोड़ा अच्छी तरह से रोस्ट कर रही हूँ। देखिए 50% तक रोस्ट करके इसको ले लीजिएगा कढ़ाई से उठा के, क्योंकि बादाम जो है नहीं तो जल जाता है, बाकी गर्म में पूरा हो जाता है। अभी देखिए सेवैयाँ जो है थोड़ा वही घी में थोड़ा अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। लाल लाल तो है, ब्राउन तो है, तो और थोड़ा सा डार्क जो है ब्राउन में कर लूँगी। भूनने के बाद ये सेवैयाँ है मेरा 100 ग्राम के, 100 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा, तो इसमें मैं दूँगी 1.5 लीटर दूध, क्योंकि सेवैयाँ जो है दूध खींच लेता है और सेवैयाँ ज़्यादा देर तक जो है बनती भी नहीं है। दूध मैंने पहले से उबाल के रखा हुआ है, तो इसलिए दूध जो है मेरा 1.5 लीटर एकदम ठीक ठाक है। अगर आप कच्चे दूध को ही इसमें दे देंगे तो थोड़ा दूध ज़्यादा लेंगे, या इस सेवैयाँ थोड़ा कम कर दीजिएगा। मेरा जो है देखिए पूरा हो गया है ड्राई रोस्ट, अभी इसमें दे दूँगी मिल्क। रात के खाने के लिए, सुबह के खाने के लिए जो भी हो, खाना जब भी खाएंगे नॉर्मली
जब जो मन को शांति देता है और खाने में जो जिसको बोलते हैं सुकून रहता है खाने में, वही खाना चाहिए। तो हम लोगों को कभी कभी शाम को ऐसे दो तीन मील प्रिपेयर करके मैं डिनर के लिए रेडी कर लेती हूँ, जो भी हल्का भी है, ऐसा कोई भारी नहीं है और पूरा भेज भी है। तो चलिए मेरा देखिए दूध यहाँ पर 1.5 लीटर मैंने दूध दे दिया है और पूरा दूध जो है बॉईल किया हुआ है। अभी सिर्फ मैं इसको 2 मिनट तक ही इसको बॉईल करूँगी और इसके साथ अभी मैं दे दूँगी इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर और दे दूँगी 50 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा शक्कर। मैंने करीब 70 ग्राम के आसपास शक्कर दिया हुआ है। मिठास अपने हिसाब से दे दीजिएगा, जो मीठा कम खाते हैं कम दीजिए, जो ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा दे दीजिए। अभी दो तीन दे दूँगी केसर के धागे, पहले उससे पहले मैं दे दूँगी ड्राई फ्रूट जो है जो मैंने रोस्ट करके रखा हुआ है, क्योंकि दूध तो मुझे ज़्यादा उबालना नहीं है। देखिए सब ड्राई फ्रूट दे दिया और दो तीन दे दिया केसर के धागे। देखिए अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर लूँगी, बहुत अच्छी बनती है ये वाला सिमई। अब बारमसली जो सिमई है तो ना उससे भी ये बना सकते हैं। तो हो गया है, 5 मिनट रखूँगी, उसके बाद 5 मिनट भी नहीं रखा था, 2 से 3 मिनट रखूँगी, उसके बाद मैं गैस को ऑफ़ कर दूँगी। और इसके साथ था पराठा, जो नॉर्मल पराठा ही था, आटा जो था मैंने नॉर्मली लगाया था, ज़्यादा कुछ नहीं किया था, तो वही दिखाऊंगी। लेकिन पराठे में थोड़ा यूनिक अलग सा टेस्ट रखे थे, हर दिन एक ही चीज़ खाने में बच्चे लोगों को भी मन नहीं करता, हम लोगों को भी नहीं करता। तो सिमाई रेडी हो चुका है, इसको साइड में रख देती हूँ, गैस को मैंने बंद कर दिया है, अभी ढक्कन दे के इसको साइड में रख दूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया थोड़ा धनिया का पत्ता चॉप किया हुआ, उसके साथ मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी ऑयल दिया है, जो कुछ भी ऑयल दे सकते हैं, ऑलिव ऑयल दे सकते हैं, वेज ऑयल दे सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटा जैसे घर में लगाते हैं ना वैसे लगा दिया, लेकिन थोड़ा सा मोयम, थोड़ा सा शुगर और थोड़ा सा नमक मैंने इसमें दिया है, दिया देखिए आटा लगाया है। अभी आटा जो है थोड़ा टाइट लगाया है और इसको तो अच्छी तरह से रोटी वाला जो शेप है वो दे दीजिएगा, पतला ज़्यादा मत कीजिएगा, थोड़ा मोटा रखिएगा, इससे क्या होगा बाद में आसानी होगी, जब इसके ऊपर जो ऑयल वाला लेयर आएंगे ना तब जब हम लोग मोड़ेंगे तो आसानी है। अगर ज़्यादा पतली हो जाएगा तो फट जाती है, ठीक ठाक से वो मुड़ नहीं पाती है। कभी कभी अलग सा पराठा, अलग सी चीज़ें, कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। ये वाला पराठा तो अभी फ़िलहाल सभी को पता है, मेरे घर में भी पता है, तो कभी कभी लगा लेती हूँ आटा, मैदा से भी कर लेती हूँ, आटा से भी कर लेती हूँ। ज़्यादातर मैं आटा ही यूज़ करती हूँ, मैदा थोड़ा कम यूज़ करती हूँ। तो सूखा आटा इसको ऊपर से दे दिया और इसके साथ मैं दे दूँगी वो वाला ऑयल।